ट्यूमर, कैंसर, कोई भी बीमारी हो, पांच मंगलवार करने से आदमी दुरुस्त हो जाता है। हाथी के हाथ की भभूति, हनुमान जी के चरणों का जल, या आप नित्य प्रतिदिन पीते रहो तो उससे सब बीमारी दूर हो जाती है। ये सभी रोग हो, सभी रोग स्पेशलिस्ट दंत चिकित्सक का, चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, या श्वास की बीमारी हो, दंत चिकित्सक आता है वह धन्य हो जाता है। कैसा भी रोग हो, मीडिया तो टन हो जाता है। कैसा भी रोग हो, अगर किसी के बच्चा नहीं होता, और कैंसर हो, ट्यूमर हो, और यहाँ पर जो पांच परिक्रमा करता है मंगलवार की, और हनुमान जी के महाराज जी के हाथ की भभूति लेता है, और हनुमान महाराज जी के जल पड़वाता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, बिल्कुल सही हो जाता है। कैंसर जैसी बीमारियां बिल्कुल सही हो जाती है। कैसा भी रोग हो, यहाँ से बिल्कुल ठीक है के जाते हुए कैंसर ट्यूमर ठीक ही होता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा की। कही रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। मैं प्रभाकांत श्रीवास्तव आप सभी लोगों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप लोग देख रहे हैं ईसु भाई ब्लॉग्स मंदिर दर्शन। दोस्तों, भारत में आपने अनेका एक हनुमान जी के मंदिर देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस स्थान पर लेकर आए हैं वो बहुत ही अद्भुत स्थान है। मैं आपको बता दूं कि कैंसर, डायबिटीज़, एड्स, टीवी, ऐसी लाइलाज बीमारियां जो आप समझ सकते हो कि सही नहीं होंगी, और अगर आप इस दर पर आते हैं तो आपकी सभी बीमारियों का, जो आपकी जितनी भी बीमारियां हैं वो तत्काल नष्ट हो जाती हैं और आप बिल्कुल निरोगी हो जाते हैं। यह स्थान, जिस स्थान पर आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं, यह स्थान भिंड जिले में स्थित है। भिंड जिला तहसील मैगांव में यह स्थित है, इसको दर के नाम से भी जानते हैं। और आप देख सकते हैं श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज मंदिर धाम, श्री श्री 1008 मंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज, तो यानी कि आप इसको दंदरुआ सरकार के नाम से भी जान सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग इस दर पर आइए, किसी भी प्रकार का रोग हो, यहां पर सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। मैं आपको इस मंदिर के अंदर ले चलूंगा और उस अद्वितीय प्रतिमा के आपको दर्शन कराऊंगा। क्या है हनुमान जी का रहस्य, क्या है उनकी महिमा, क्या है इस मंदिर का रहस्य, सभी लाइलाज बीमारियाँ बिल्कुल सही हो जाती हैं, क्या है इस बात का प्रमाण, वो हम आपको दिखाएंगे। तो अभी मैं आपको अंदर ले चलूंगा, आप देख सकते हैं ये बाबा का धाम का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिनको डॉक्टर हनुमान के नाम से जानते हैं। अभी हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और आपको हनुमान जी के दर्शन करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं, जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो ये गलियारा आपको नज़र आएगा। इस गलियारे में चलते चलते मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ प्रसाद की दुकानें भी हैं, आप वहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं, और आपको अन्य जगह प्रसाद लेने की आवश्यकता नहीं, आप यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रसाद की दुकानें हैं, आप यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं। आइए अब अंदर चलते हैं, और वो है सामने जो आप देख रहे हैं, वो है बाबा का मुख्य प्रवेश द्वार, उसके अंदर आपको हम दर्शन कराएंगे हनुमान जी महाराज के। आइए, आपको सर्वप्रथम श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज मंदिर धाम जिला भिंड मध्य प्रदेश, ये है वो मुख्य प्रवेश द्वार, ये वही स्थान है जहां पर बागेश्वर धाम सरकार आए हुए थे। तो अभी हम आपको हनुमान जी के भी दर्शन कराएंगे, और जो यहां पर महामंडलेश्वर हैं श्री श्री 1008 रामदास जी महाराज, उनके हम आपको दर्शन करवाएंगे। यहां पर ऐसी मान्यता है कि वो अगर भभूति दे दें, यहां की भभूति में इतनी चमत्कारी है, यहां की भभूति अगर आप उसको खा लें तो समस्त बीमारियां आपकी नष्ट हो जाती हैं, आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। तो ये देखिए आप, ये नज़ारा देखिए आप, यहाँ घंटे घड़ियाल वगैरह लगे हुए हैं, और ये आप इसके अंदर प्रवेश करते हैं, यही वो मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ से आप प्रवेश करेंगे, और जो भी अंदर का दृश्य होगा, हनुमान जी के दर्शन होंगे, वो हम आपको करवाएंगे, जिनको डॉक्टर हनुमान के नाम से जाना जाता है। ऐसी प्रतिमा जो स्वयं इलाज करती है, हनुमान जी स्वयं यहाँ पर भक्तगणों का इलाज करते हैं। कोई भी लाइलाज बीमारी हो और ऐसा लग रहा हो कि वो सही नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर स्वयं हनुमान जी उस बीमारी का इलाज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मंगलवार या शनिवार होता है तो यहाँ पर इतनी भीड़ लगती है, उसके कारण ये रेलिंग बनाई गई है, आप इसी के रेलिंग से आप अंदर आ सकते हैं और बाबा के दर्शन कर सकते हैं।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आप मेरे सामने डॉक्टर हनुमान के दर्शन कर रहे हैं, थोड़ा सा साइड में जाइए, थोड़ा सा आप मेरे सामने डॉक्टर हनुमान के दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यही वो डॉक्टर हनुमान जी हैं जिनके दर्शन करने मात्र से समस्त रोगों का निवारण हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हम बाबा के अंदर चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे और यहाँ पर हम काफ़ी सारे भक्तों लोगों से बात भी करेंगे। यही वो स्थान है, यही वो हनुमान जी हैं, मेरो डॉक्टर मेरो वैद मेरे प्रभु। तो अभी हम उनके आपको दर्शन करवाएंगे और मैं यहाँ से भक्तगढ़ लोगों से बात भी करूँगा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियाँ सही हो जाती हैं, टीबी सही हो जाती है, डायबिटीज सही हो जाती है, ऐसी लाइलाज बीमारियाँ, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो यहाँ पर सही ना हो। तो अभी हम आपको अंदर ले चलेंगे और आपको दर्शन कराएंगे। आप दर्शन कराइए, पूरा सब लोगों को एक बार दिखाइए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर इतने सारे भक्तगढ़ लोग आते हैं, आखिर डॉक्टर हनुमान की क्या महिमा है, इनका क्या विशेष महत्व है? मतलब यह कि ट्यूमर कैंसर कोई भी बीमारी हो, पांच मंगलवार करने से आदमी दुरुस्त हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। कैंसर जैसी बीमारियाँ बिल्कुल सही हो जाती है, कैसा भी रोग हो यहाँ से बिल्कुल ठीक है के जाते हुए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर होता है, किसी को लाइलाज बीमारी होती है, तो वो कैसे, मतलब कैसे खत्म हो, उसका क्या विधान है यहाँ पर? महाराज जी के हाथ की भभूति, हनुमान जी के चरणों का जल, या आप नित्य प्रतिदिन पीते रहो तो उससे सब बीमारी दूर हो जाती है। क्या नाम है आपका? नारायण। तो मैं चाहता हूँ हमारे, आप कुछ ऐसी विशेष बात बोलिए जो हमारे लाखों भक्तगणों तक पहुँचे। ऐसी क्या विशेष महत्ता है, क्या ऐसा उनका महिमा है बाबा की? बाबा की ये महिमा है, धनरुआ सरकार की जय। यहाँ पर कैसा भी रोग हो, अगर किसी के बच्चा नहीं होता और कैंसर हो, ट्यूमर हो, और यहाँ पर जो पांच परिक्रमा करता है मंगलवार की, और हनुमान जी के महाराज जी के हाथ की भभूति लेता है और हनुमान महाराज जी के जल पड़वाता है, ये अप्रत्यक्ष प्रमाण है उसका कैंसर ट्यूमर ठीक ही होता है। यहाँ की भभूति का देखा यह कमाल है, जिसने भी खाई वो हुआ माला माल है। धन के माला माल, विद्या के माला माल। अच्छा, तो और कोई विशेष बात जो हमारे भक्तगणों तक पहुँचाना चाहते हो बाबा की? ये जो रूप है बाबा का, ये नृत्य वेश में है, सखी वेश में है प्रभु, इसके बारे में क्या? कहीं भी नहीं है सखी वेश के, हनुमान जी सिर्फ यहीं पर है, सखी और डॉक्टर वेश यहीं पर है अकेला। जज हनुमान भी बताया गया है, डॉक्टर के साथ जज हनुमान भी, क्योंकि किसी के साथ ये अन्याय नहीं होने देते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर कितने वर्षों से कार्यरत हैं बाबा की सेवा? मुझे यहाँ पर 2 वर्ष हो गई। आपको कितने वर्ष? 18 साल हो गए। आपके साथ कोई चमत्कार हुआ हो? कई कैंसर वाले ठीक है कहेंगे, ये सब कैंसर वाले सब। कभी हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो हम लोग तो प्रत्यक्ष देखते ही हैं कि हमारे सिर में दर्द होता है तो हनुमान जी के सामने घुटने टेक दिए तो ठीक हो गया, ये हनुमान जी की कृपा है, दर्द सही हो जाता है एकदम मस्तिष्क के बीचों बीच में, जो लगाने से भभूति, महाराज जी की भभूति, हाथ की भभूति लगाने से मस्तिष्क के सर का दर्द एकदम ठीक हो जाता है हनुमान। पर काफ़ी सारे भक्तगढ़ लोग आए हुए हैं, अभी हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके साथ ऐसा क्या चमत्कार हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भक्त लोग आते रहते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ चमत्कार होता रहता है। आप कहाँ से आए हुए? हम डिस्ट्रिक्ट जालौन से। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि कैंसर, डायबिटीज़, कोई भी बीमारी हो तत्काल सही हो जाती है, आप कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम यहाँ करीब जो है 10 वर्षों से आ रहे हैं। आपके साथ कोई चमत्कार हुआ हो? क्या आपके साथ कोई चमत्कार हुआ हो? हमारे साथ ऐसा है कि अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई बब्बा की कृपा से। क्या नाम? डॉक्टर जयचंद्र भदौरिया, इटावा उत्तर प्रदेश। आप यहाँ पर कितने वर्षों से आ रहे हैं? आस्था तो पूरे क्षेत्र की है ही यहाँ, और हम भी आ रहे 2-4 वर्षों से लगातार। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग सही हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है, क्या आपके साथ ऐसा कोई चमत्कार हुआ है बाबा के दरबार पे आने से? हमारे साथ ही दुर्लभ हुआ है, और इसलिए दुर्लभ हुआ है जब मैं अपने जीवन की बाजी हार गया था तो लगातार शनिवार को महाराज जी के यहाँ माथा रखने आए और हमारा लीवर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अच्छा, आपका लीवर? और इसके बाद कोई व्यवस्था बची ही नहीं थी,
लेकिन धनरहुआ महाराज के दुर्लभ आशीर्वाद से हमें चिकित्सा का सबसे बड़ा केंद्र मिल गया और लिवर भी हमारे घर पे देने वाला आ गया। बताइए, हमने 50 लाख रुपया खर्च किया, लिवर उपलब्ध नहीं हुआ हमारा। फिर हमारी ये पत्नी है जी, आपका क्या नाम है? रेनू भदौरिया। आपके साथ भी कोई चमत्कार हुआ है क्या? अब इससे ज्यादा बड़ा चमत्कार क्या है? बाबा के माथा रखने आए, ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ है। समझ लीजिए आप बाबा के दरबार में आ गए, सब कष्ट दूर। ये किस्सा कहानी और झूठ फरेब की बात नहीं है, ये हमारा मामला तो पूरे के पूरा सच है। कर दिया था भैया दिल्ली में तो। हाँ, क्या हो गया था आपको? अच्छा, वो लीवर वाली समस्या। और उसके बाद वो प्रयोग हुआ और देखो माथा रखने आते, उनका हमेशा आशीर्वाद रहेगा। और ये दर्शन इनका तो इतना ही है कि आपको अनुभूति हो जाए। नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है? क्या नाम है आप? मैं महेश सिंह कुशवाहा। आप कहाँ से आए? मैं बर्दना इटावा से। मैं इटावा से हूँ। आपके साथ आप यहाँ पर कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम कई वर्षों से आ रहे हैं यहाँ। क्या चमत्कार हुआ है, आप पहुँचाइए हमारे भक्तगढ़ों तक। बाबा जी के दर्शन करने आते हैं, बहुत चमत्कार करते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हनुमान जी का अस्त्र, जिसको आप देख सकते हैं। देख यहाँ पर, ये हनुमान जी का गदा है यहाँ पर, जैसा कि हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। यहाँ पर बाबा का अस्त्र विराजमान है। यहाँ पर भगवान राम का भी मंदिर है, अभी सारे पट बंद हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हनुमान जी का झूला कहते हैं। इसको आप ऐसे झुला सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हनुमान जी झूल रहे हों, इसलिए आप कोई भी व्यक्ति यहाँ पर दर्शन करने के लिए आता है वो झूला जरूर झुलाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी झुलाएं, इस चीज़ को देखें और समझें। ओके, आप देखिए, आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, पूरा दर्शन कराइए बाबा के। क्या नाम है आपका? अशोक थापक। जन्मभूमि धनरहुआ से है, प्राचीन मंदिर है, और यहाँ जो है विदेशों के लोग आते हैं। कभी कभी ये डॉक्टर के वेश में दिखाई देते, कई लोगों को सपने में दिखाई दिया, कैसा भी रोग हो और नष्ट हो जाता है। यहाँ की जो भभूति है, उस भभूति को किसी भी रोग पर, कोई भी पीड़ा, कोई भी कष्ट, नौकरी इत्यादि सभी में काम करती है। हनुमान जी महाराज के चरणों का जो जल है, वो जल भी जो है पीने से कई रोग नष्ट होते हैं। यहाँ जो है बड़े महाराज जी हैं, 1008 महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज, उनके आश्रय भभूति का, हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से कई कैंसर ट्यूमर इत्यादि बड़े बड़े रोग नष्ट हुए। यहाँ जो है हनुमान जी आद्य वैद्य हैं, इसलिए कैसा भी रोग हो, सभी रोग स्पेशलिस्ट हैं धनरहुआ सरकार। चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, या श्वास की बीमारी हो, कोई भी रोग हो, धनरहुआ आता है वह धन हो जाता है। कैसा भी रोग हो, मीडिया तो टन हो जाता है।